अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आपने बहुत से इनकम टैक्स रेट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि पैसे गिनने वाली मशीन नोट गिनते गिनते खराब हो गई? जी हाँ, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर बुधवार से जारी छापेमारी में आयकर विभाग ने अब तक 200 करोड़ से अधिक कैश जब्त किया है। जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें भी खराब हो गई। ये छापे झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मारे गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस छापेमारी की खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। गुरुवार से शुरू हुई नोटों की गिनती अभी भी जारी है। 157 बैगों में रुपए भरकर ट्रक से बैंक पहुंचाए गए। बैग नहीं मिलने पर नोटों के बंडलों को बोरों में भी भरकर रखा गया। अभी नोटों की गिनती में 2 दिन और लगेंगे, ऐसे में ये जब्त कैश और बढ़ सकता है। ये सारा कैश ओडिशा में बोलांगिर जिले में स्थित बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस से जब्त किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड के कई दिग्गज कारोबारी नेता और अधिकारी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। झारखंड में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बौद्ध डिस्लरी प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। दूसरी तरफ राज्य के चर्चित उद्योगपति रामचंद्र रुंगटा के व्यापारिक समूह के 18 और उनके सहयोगी ग्रीन टेक के 25 समेत कुल 43 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इसके साथ ही अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे सीबीआई ने करीब 8 ठिकानों पर छापेमारी की। ये रेड अब तक की सबसे बड़ी रेड साबित हो सकती है, क्योंकि सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग सहित कई जांच एजेंसियां राज्य में मिलकर काम कर रही हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार धीरज साहू के यहां कई बड़ी अलमारियां मिली हैं जिनमें 200 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। इनकी गिनती अभी भी जारी है। नकदी का सही आंकड़ा गिनती के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं हैदराबाद के डीजी इन्वेस्टिगेशन संजय बहादुर खुद ओडिशा पहुंचे हैं। ओडिशा के कई बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस राशि के देश में कानूनी तरीके से जब्त सबसे बड़ी नकदी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां 9 अलमारियों में भरी थी। इनकम टैक्स की झारखंड, ओडिशा, बंगाल में अब तक की ये सबसे बड़ी छापेमारी है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनी पश्चिमी ओडिशा की सबसे बड़ी देसी शराब निर्माता विक्रेता कंपनियों में से एक है। आयकर विभाग की 40 सदस्यीय टीम ने बुधवार की सुबह 6:30 बजे से ओडिशा के बौद्ध, बोलांगिर, रायगढ़ और संबलपुर के अलावा झारखंड के रांची, लोहरदगा और कोलकाता में एक साथ छापेमारी शुरू की थी। कार्रवाई अभी जारी है।